दही वाले लजीज बैंगन तैयार हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बहुत इंजॉय करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिजा टीवी। आए मिलकर बैंगन बनाते हैं, दही वाले बैंगन। इसके लिए हमें बैंगन चाहिए मोटे कटे हुए, प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ, लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला, आधा केजी दही और ये कुछ मसाले चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। सबसे पहले हम बैंगन लेंगे, उनको हम मोटा काट लेंगे, एक इंच के करीब मोटाई इसकी रख के हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसकी मोटाई तकरीबन एक इंच ही रखेंगे क्योंकि फिर ये प्रोसेस के दरमियान टूटने का डर होता है। अब हमने इसको ऑयल लिया है, उसमें हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। इनको हम अच्छे तरीके से ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनको हम दोनों तरफ पलट के पकाएंगे ताकि दोनों तरफ खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए ये गोल्डन हो गए थे तो इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, इसको हम अच्छे तरीके से मसाले को पकाएंगे। ये बैंगन बहुत ही लजीज बनते हैं। ये देखें मसाला बिल्कुल अच्छी सी शेप में आ गया है, अच्छा सा भुन गया है ये। अब हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे, नमक 1 टेबल स्पून और सुरख मिर्च भी तकरीबन 1 टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी 1 टीस्पून। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे ताकि ये ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसमें बैंगन डाल देंगे, इसको दम दे देंगे और इसके ऊपर गरम मसाला 1 टीस्पून भी डाल देंगे। अब हम ऑयल लेंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे। ये कुटी हुई सुरख मिर्च है, ज़ीरा है, कसूरी मेथी है और ये बड़ी इलायची है एक, और एक दालचीनी का टुकड़ा है। इन सबको हम फ्राई करेंगे और इसमें दही के अंदर हम इसका तड़का लगा देंगे। इसका तड़का लगाने का मकसद ये है कि दही बहुत ही खुशबूदार और इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। आप कभी इस तरह दही बना के देखें, ये बहुत ही लजीज लगता है। अब हम एक डिश में बैंगन लगाएंगे। सबसे पहले बेस में हम बैंगन रखेंगे, सारा मसाला और बैंगन रखने के बाद इसके ऊपर हम दही लगा देंगे, दही की लेयर लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। दही से हम इसको मुकम्मल कवर कर देंगे। ये ऐसे खुशबूदार और लजीज बैंगन हैं कि दिल चाहता है इंसान का हाथ रुके ही ना और खाते चला जाए। ये बहुत लजीज बने हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।